तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के सीजन की अब बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली ट्रेड विंडो शुरू कर दी जा चुकी है और 10 फरवरी तक ये ट्रेड विंडो चलेगी। इस दौरान हमें काफी सारे प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम में जाते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तीन टीमों के लिए बुरी खबर, तीन टीमों के लिए बड़ी समस्याएं क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ये तीन टीमें चाह कर भी इस ट्रेड विंडो में कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी तीन टीमें इस ट्रेड विंडो में चाह कर भी आखिर क्यों ट्रेड नहीं कर पाएगी, आखिर किन रीजंस के चलते हुए, किन कारणों के चलते हुए ये टीमें इस ट्रेड विंडो में ट्रेड नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, ट्रेड विंडो को लेकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब दूसरा गिव अवे शुरू हो चुका है। इसमें जो आप स्क्रीन पर वॉचेस देख पा रहे होंगे वो वॉचेस आप जीत सकते हो। इसको जीतने के लिए आपको सिंपली दो स्टेप करने होंगे। सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जबकि दूसरे स्टेप के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको सिंपली वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर 5000 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन्हीं 5000 मेंबर्स में से किसी 8 लकी मेंबर्स को उनकी फेवरेट आईपीएल टीम की वॉच हमारी तरफ से गिफ्ट यानी गिव अवे करी जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो फ्रेंड्स, जो तीन आईपीएल टीमें इस साल ट्रेड विंडो में ट्रेड नहीं कर सकती, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल सीएसके की टीम का पिछला साल काफी खराब रहा था, जहां पर पिछले साल ये आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और अब इस साल ये टीम ट्रेड विंडो में शायद एक प्लेयर को भी ट्रेड ना कर पाए। अगर हम बात करें इसके पीछे के रीजन की, तो ट्रेड विंडो में ट्रेड करने के लिए हर टीम को पर्स बैलेंस की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट टीम के पास 8-10 करोड़ होने चाहिए ताकि वो टीम ट्रेड कर सके, किसी भी प्लेयर को पैसे दे सके। लेकिन इस टीम के पर्स बैलेंस में केवल 90 लाख रुपए बचे हैं, और 90 लाख में ही किसी भी प्लेयर को पैसे देकर अपनी टीम में इंक्लूड या फिर ट्रेड नहीं कर सकती है। अब ये टीम केवल एक ही तरीके से ट्रेड कर सकती है, ये टीम अपने प्लेयर को दूसरी टीम में भेजकर दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में ला सकती है। केवल एक ही प्रोसेस से ये टीम ट्रेड कर सकती है, अदरवाइज ये टीम इस ट्रेड विंडो में चाह कर भी अब किसी भी प्लेयर को ट्रेड या फिर अपनी टीम में इंक्लूड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ऑक्शन से पहले सीएसके की टीम को अपने पर्स बैलेंस को लेकर और ट्रेड को लेकर इस टीम को बड़े झटके लगे। शायद इस ट्रेड विंडो के दौरान काफी सारी टीमें काफी सारे प्लेयर्स को ट्रेड करे, लेकिन सीएसके की टीम शायद किसी भी प्लेयर को ट्रेड ना कर पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सीएसके की टीम को आखिर अपने कौन से प्लेयर को कौन सी टीम में भेजकर आखिर कौन से प्लेयर को ट्रेड करना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मुंबई इंडियंस की टीम का। दरअसल आईपीएल इतिहास में एमआई की टीम ने सबसे अधिक ट्रेड्स करी, हर साल ये टीम 4-5 प्लेयर्स को ट्रेड करती है, और जिन-जिन प्लेयर्स को इस टीम ने ट्रेड किया वो प्लेयर्स इस टीम के लिए काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अगर हम बात करें क्विंटन डिको की, बात करें ट्रेंट बोल्ट की, तो ये सभी प्लेयर्स इस टीम के लिए हर साल काफी अधिक सक्सेसफुल रहे हैं। तो ट्रेड इतिहास में एमआई की टीम का हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन इस साल ये टीम चाहकर भी ट्रेड नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस टीम के लिए भी पर्स बैलेंस की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी टीम के पास केवल 1.90 या फिर 2 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है, और 2 करोड़ में ये टीम ज्यादा से ज्यादा एक छोटे प्लेयर को ट्रेड कर सकती है या फिर केवल एक डोमेस्टिक प्लेयर को ट्रेड कर सकती है। तो ओवरऑल इस ट्रेड विंडो में चाह कर भी अब एमआई की टीम भी ट्रेड नहीं कर पाएगी। पिछले साल इस टीम के पास 10 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा था, इसी वजह से इस टीम ने धवल कुल करने को इजिली ट्रेड कर लिया था, रदरफोर्ड को इजिली ट्रेड कर लिया था, ट्रेंट बोल्ट को 2 करोड़ रुपए देकर उनको भी इजिली ट्रेड कर लिया था। लेकिन इस टीम के पास इस साल केवल 2 करोड़ का ही पर्स बैलेंस बचा है, तो एमआई की टीम के लिए भी ट्रेड विंडो के दौरान बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है। हालांकि इस टीम का स्क्वाड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से शायद ये टीम ज्यादा बदलाव ना करे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम इस ट्रेड विंडो में ट्रेड करेगी या फिर नहीं। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास काफी अधिक पर्स बैलेंस बचा है, इस टीम के पास 9 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है, और 9 करोड़ में ये टीम किसी भी प्लेयर को इजीली परचेस करके अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। लेकिन इस टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने बताया है कि ये टीम इस साल किसी भी प्लेयर को ट्रेड नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले इस टीम ने यहां पर जिस भी प्लेयर को ट्रेड किया था, अपनी टीम से बाहर किया था, वो प्लेयर दूसरी टीम में जाकर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। जहां पर ट्रेंट बोल्ट को इस टीम ने अपनी टीम से बाहर किया था, और वो एमआई के लिए पिछले सीजन काफी बड़े प्लेयर के रूप में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तो अपनी तरफ
से विंडो क्लोज कर दी है। ये टीम अपने किसी भी प्लेयर को अपनी टीम से बाहर नहीं करेगी। ये टीम केवल पैसे देकर दूसरी टीम के प्लेयर को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। तो ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यह साफ कर दिया है कि ये टीम अपने किसी भी प्लेयर को ट्रेड नहीं करेगी। तो यहां पर सातों टीमों के बीच ट्रेड हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तो अपने प्लेयर को अपनी टीम से बाहर करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। तो ओवरऑल ये तीन टीमें होगी जो कि इस ट्रेड विंडो के दौरान हमें कोई भी ट्रेड करती हुई ना दिखे। और अगर इन तीन टीमों से कोई भी ट्रेड होगी तो केवल एक आधी ट्रेड होगी, ज्यादा ट्रेड इन तीन टीमों से हमें नहीं देखने को मिलेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन टीमों को या फिर आपकी फेवरेट टीम को इस ट्रेड विंडो के दौरान कौन से प्लेयर को ट्रेड करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।